नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में हरियाणा कच्चे कर्मचारी। हरियाणा ग्रामीण चौकीदारों से जुड़ी खबर देखें तो देखते हैं पूरी जानकारी, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं खबर आई है, अपनी मांगों को लेकर चौकीदार संघ ने खंड कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। मंडी यादवपुर से खबर है, ग्रामीण चौकीदार संघ हरियाणा संबंधित हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ व भारतीय मजदूर संघ ग्रामीण चौकीदार संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश महामंत्री रमेश शर्मा की अध्यक्षता में खंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। रमेश शर्मा ने बताया कि 2 अप्रैल 2018 की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि चौकीदार को साइकिल भत्ता में वृद्धि भत्ता दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 2022-23 पे 2023-24 दो साल का भत्ता नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं पर जो मुख्यमंत्री ने 2018 में जो अप्रैल में जो घोषणा की थी, जिसमें उन्हें जो चौकीदार उन्हें साइकिल भत्ता और वृद्धि भत्ता दिया जाएगा, ये घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं 2022-23 और 23-24 का उन्हें दो साल का जो भत्ता नहीं दिया गया। इसके अलावा मेरिज फैमिली पोर्टल पर, जन्म पोर्टल पर, डेथ पोर्टल पर अब तक सुचारू रूप से लागू नहीं किया गया, उसे दुरुस्त किया जाए। और जो ग्रामीण चौकीदार व शहरी चौकीदार 2005 में सेवानिवृत्त हुए हैं, उन सभी चौकीदारों को सरकारी कर्मचारी आधार पेंशन दी जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंशन की भी मांग उठाई गई है। जो चौकीदार व जो ग्रामीण चौकीदार और शहरी चौकीदार 2005 में जो सेवानिवृत्त हुए यानी जो रिटायर हुए हैं, उन्हें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके आधार पेंशन दी जाए। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।